वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एडवांस कैलकुलस। हम इंडिटरमिनेट फॉर्म कर रहे थे। इंडिटरमिनेट फॉर्म में हमने जीरो बाय जीरो फॉर्म लास्ट लेक्चर में की थी। आज हम नेक्स्ट फॉर्म इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म के क्वेश्चन देखेंगे। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में क्या होगा हमारे पास कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की वैल्यू इंफिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स की वैल्यू इंफिनिटी। तो हमारे पास ये जो बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स ओवर जी एक्स दैट वुड बी दैट मीन्स इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो अगर एफ एक्स भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है एक्स टेंड्स टू ए पर, जी एक्स भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है एक्स टेंड्स टू ए पर, तो एफ एक्स बाय जी एक्स भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म लेके आएगा व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। तो हमारे पास जैसे ही एल हॉस्पिटल रूल था किसके लिए, जीरो बाय जीरो फॉर्म के लिए, उसी तरह से एल हॉस्पिटल रूल है हमारे पास किसके लिए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए। तो उसमें भी हमारे पास ये था कि हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते थे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते थे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। सेम यहाँ पर दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स, वेयर एफ डैश एक्स स्टैंड्स फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्रोवाइडेड दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट, इट मे बी इनफाइनाइट बट दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट मीन्स हमारे पास दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एंड एक्स टेंड्स टू ए प्लस शुड एग्जिस्ट, बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट शुड बी then we call limit is existing or that quantity may be infinite or may be finite. तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं, बट हमारे पास जो एल हॉस्पिटल रूल निकल के आया अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने तो दिस लिमिट इज इक्वल टू दिस क्वान्टिटी। अब हमारे पास कुछ ही क्वेश्चन में हम बेटर कुछ क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो जीरो बाय जीरो फॉर्म में अगर वो पुट किया जा सकता है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हम बेटर उसको हम जीरो बाय जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई जल्दी हो जाएगा कंपैरेटिवली टू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो वो हम जैसे क्वेश्चन करेंगे उस तरह से हमें टेक्निक पता चल जाएगी कि क्या कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू पावर एन ई रेस टू पावर एक्स। तो आप फिर से पहले तो देखो हमारे पास एन हमारे पास नेचुरल नंबर दे रखा है, एन इज ए नेचुरल नंबर। अब ये क्या हुआ x is infinity, infinity की power n, n is a natural number, positive power, so that is infinity. और e raised to power infinity, that means infinity. e की value क्या होती है हमारे पास 2.718 approximately, this is irrational number e. तो infinity by infinity form, by L hospital rule, फिर से क्या बनेगा ये? This limit is equal to numerator का differentiation with respect to x. n x raised to power n minus 1 denominator ka differentiation with respect to x would always be e raised to power x ka differentiation e raised to power x then x tends to infinity. फिर से हमारे पास n हमारे पास this is a natural number constant है हमारे पास x raised to power n minus 1 that means infinity raised to power n minus 1 तो ये भी फिर से infinity बनेगा infinity by infinity. Again we applying L hospital rule फिर से differentiation करोगे n x raised to power n minus 1 का differentiation पावर आगे आ गई एक्स रेस टू पावर एन माइनस टू इट इज अगेन ई रेस टू पावर एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो हर स्टेप में हम चलते जाएंगे इस तरह से डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। तो हम जब हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन लिया तो एन, सेकेंड डिफरेंशिएशन लिया तो एन इंटू एन माइनस वन, थर्ड डिफरेंशिएशन लोगे तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू और फिर से एक्स रेस टू पावर एन माइनस थ्री आ जाएगा यहाँ पर। तो रिपीटिंग ऑल दिस प्रोसेस बट वी विल गेट एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू एन टाइम्स हम रिपीट करेंगे। तो जब हमने दो बार रिपीट किया तो एन माइनस टू था, यानी सेकंड डेरिवेटिव जब लिया, थर्ड डेरिवेटिव लोगे तो एन माइनस थ्री, जब एनथ डेरिवेटिव लोगे तो एन माइनस एन, तो दिस इज एन माइनस एन। और इससे जो लास्ट टर्म बचेगी एन माइनस वन, बिकॉज वेन वी हैव टेकन हियर माइनस टू वी आर स्टॉपिंग हियर माइनस वन, जब हमारा माइनस थ्री होगा तो वी आर स्टॉपिंग हियर एन एन माइनस वन एन माइनस टू। तो जितना पावर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे एक पिछले टर्म तक हम यहाँ जा रहे हैं, तो एन माइनस वन ई रेस टू पावर एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये क्या बना हमारे पास एन एन माइनस वन एन माइनस टू, दिस क्वान्टिटी इज इक्वल टू वन, तो n n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री चलते चलते हम स्टॉप कर रहे हैं वन पर, दिस इज n फैक्टोरियल, x रेस टू पावर जीरो दैट इज वन और e रेस टू पावर x लिमिट x टेंड्स टू जीरो इन्फिनिटी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये क्या आ जाएगा e रेस टू पावर इन्फिनिटी दैट इज e रेस टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो समथिंग
नॉन जीरो एंड नॉन इंफिनिटी, दिस क्वांटिटी इज फाइनाइट क्वांटिटी, तो ये ओवर इंफिनिटी है तो दिस वुड बी जीरो. तो हमारे पास x रेस टू पावर n e रेस टू पावर x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी की वैल्यू क्या आ गई है, इस इंडिटर्मिनेट फॉर्म की वैल्यू क्या आ गई है, जीरो निकल के आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस कोसेकेंट x ओवर log x. अब यहाँ जीरो प्लस क्यों लिखा हुआ है, जीरो क्यों नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट ही क्यों काउंट कर रहे हैं हम जीरो पर, बिकॉज log ऑफ नेगेटिव जब जीरो की लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, हमारे पास x अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो, दैट मीन्स x नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट ए रियल नंबर, दैट वुड बी इमेजिनरी नंबर, तो उसको हम अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज हम रियल में ही डील कर रहे हैं. तो x टेंड्स टू जीरो प्लस के ऊपर आए. तो अब हमारे पास कोसिकेंट x ओवर log x, तो कोसिकेंट जीरो, साइन जीरो होता है हमारे पास जीरो, तो कोसिकेंट जीरो हो जाएगा इनफिनिटी. log जीरो इज ऑल्सो log ऑफ नेगेटिव नंबर, इज log ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर, और log ऑफ जीरो इज दिट इज माइनस इंफिनिटी, तो दिस वुड बी कैप्ट इन माइंड log ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, और log ऑफ जीरो जो होगा वो माइनस इंफिनिटी होता है. तो अब यहाँ पर जो बनेगी log ऑफ जीरो इज माइनस इंफिनिटी, और स्टिल दिट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म. फिर से हमारा जो रूल है लिमिट रूल, उसको अप्लाई किया हमने इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स log x का डेरिवेटिव 1 बाय x लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, दिस वुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस कोसेकेंट को अगर हम लिखें 1 बाय साइन x, और कोटेंजेंट x को लिखें cos ओवर साइन x, दिस इज 1 बाय x, दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस. तो जब हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दे रखी हो और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दे रखी हो, कोसेकेंट की कोटेंजेंट की टेंजेंट की, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जीरो बाय जीरो में बाय सॉल्विंग विद कोसेकेंट को पुट किया वन बाय साइन, कोटेंजेंट होगा तो उसको पुट कर देंगे हम कोस बाय साइन, टेंजेंट होगा तो साइन बाय कोस, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम बाय पुटिंग इन द टर्म्स ऑफ कोस एंड साइन, तो वो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन के आ सकती है हमारे पास. तो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस का कोस एक्स साइन स्क्वेयर एक्स एंड दैट इज एक्स. अब ये क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस माइनस का कोस x ओवर साइन x, दिट इज x ओवर साइन x. अब साइन x ओवर x की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू जीरो पर क्या होती है, वन. हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x ओवर x इज वन, तो जब इसका रेसिप्रोकेट भी करोगे x ओवर साइन x भी करोगे, x ओवर साइन x भी करोगी तो भी वो 1 आएगी, रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल इज अगेन 1, तो अब इस क्वांटिटी की वैल्यू तो 1 आ गई x टेंड्स टू 0 पर. तो माइनस का cos x ओवर साइन x, दिस इज cos 0 इज 1 एंड साइन 0 इज 0, तो दिस इज माइनस इंफिनिटी. तो आंसर जो आया दैट इज माइनस इंफिनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चल रहे हैं, log 1 माइनस x ओवर कोटेंजेंट पाई x. फिर से लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस है बिकॉज 1 माइनस x है यहाँ पर, तो 1 की राइट साइड में जाएंगे दिस क्वांटिटी बिकम्स नेगेटिव, log नेगेटिव नंबर फिर इमेजिनरी, तो 1 से हम पीछे ही जाएंगे ताकि ये क्वांटिटी 1 माइनस x वुड बी पॉजिटिव, log ऑफ पॉजिटिव नंबर आर हमारे पास डिफाइंड है रियल नंबर है, तो हमारे पास ये फिर से log ऑफ 1 जैसे ही x 1 को अप्रोच करेगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ 1, तो दिस वुड बी माइनस इंफिनिटी, और कोटेंजेंट पाई इज ऑल्सो, कोटेंजेंट पाई क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज cos पाई ओवर साइन पाई, cos पाई इज माइनस 1 साइन पाई इज 0, तो दिस इज अगेन माइनस इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बने, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बने या माइनस इंफिनिटी बाय माइनस इंफिनिटी बने या फिर इन्फिनिटी बाय माइनस इन्फिनिटी बने, दैट मीन्स इनफाइनाइट क्वांटिटी ऊपर है इनफाइनाइट क्वांटिटी डिनोमिनेटर में, तो दिस वुड बी द फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. फिर से हमने लिमिट रूल लगाया बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, एल इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन इसका 1 माइनस एक्स, साथ में माइनस एक्स का फिर से, और फिर से कोटेंजेंट पाई एक्स का माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर पाई एक्स, और पाई एक्स का फिर से यानी कि पाई आ जाएगा, दिस इज माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस,
दिस वुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स कोसेकेंट, ऊपर जाके साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन स्क्वेयर पाई एक्स यहाँ पाई। अब ये कौन सी फॉर्म बनी, x को अगर हम 1 अप्रोच कर रहे हैं दैट मीन साइन पाई बचेगा और यहाँ 1 माइनस 1 जीरो बचेगा, साइन पाई इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, सो वी आर गेटिंग हियर 0 बाय 0। तो फिर से अप्लाइंग एलोपिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर पाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स का फिर से पाई हो जाए एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का माइनस 1 और पाई एज इट इज, ये पाई से पाई कैंसिल, x को 1 माइनस अप्रोच करना है दैट इज साइन पाई आ जाएगा यहाँ, साइन पाई इज 0, तो ये आ गया हमारे पास 0। नेक्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो हम लेके चल रहे हैं दैट वुड बी जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, कि जीरो को जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा दैट इज ऑल्सो इनके एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो या एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की वैल्यू तो आ रही है वो जीरो आ रही है और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो इन्फिनिटी आ रही है, तो प्रोडक्ट की हमारे पास लिमिट आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स वुड बी जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा, तो हम उसको करने के लिए क्या करेंगे, आइदर उसको कन्वर्ट करेंगे जीरो बाय जीरो में और या फिर उसको कन्वर्ट करेंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में और फिर हम लगाएंगे अपना लिमिट रूल। तो हमारे पास है क्या, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स, अब टेंजेंट जीरो इज जीरो, लॉग जीरो इज माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी यानी कि जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनी, लॉग टेंजेंट जीरो इज जीरो, लॉग जीरो इज माइनस इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू जीरो तो जीरो एफ एक्स को जीरो का अप्रोच कर रहे हैं, दिस क्वांटिटी अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो जो भी है बट दिस इज इनफाइनाइट चाहिए वो माइनस है चाहे प्लस है दैट मीन्स दिस इज टेकिंग द फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटी। तो अब हमने कन्वर्ट कैसे करना है इसको जीरो बाय जीरो या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में, तो अब हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स ओवर वन बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अब ये क्या बनेगा, दिस इज लॉग ऑफ जीरो बन जाएगा, टेंजेंट जीरो इज जीरो, तो ये हमारे पास फिर से इन्फिनिटी फॉर्म लेता हुआ और ये वन बाय जीरो फिर से इन्फिनिटी लेता हुआ, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी, लेकिन अगर हम लॉग वाली टर्म को नीचे ले जाते फिर या क्या बनती, एक्स तो क्या है हमारे पास जीरो, लॉग टेंजेंट एक्स क्या हो जाता, टेंजेंट जीरो इज जीरो, तो नीचे अगर लॉग टेंजेंट एक्स होता डिनोमिनेटर में, एक्स अगर न्यूमरेटर में होता तो ये बनती जीरो बाय जीरो। तो प्रेफर करना है हमें आइदर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर जीरो बाय जीरो फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन अगर लॉग वाली टर्म या इस तरह की टर्म हमारे पास ऊपर है तो हम प्रेफर करेंगे न्यूमरेटर में लॉग लेना, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में डिफ्रेंसिएशन करोगे लॉग वाली टर्म का दैट वुड बी कंबर्सम, तो वो टीडियस प्रोसेस हो सकती है, तो लॉग वाली जब भी टर्म आए तो उसको प्रेफर करो कि न्यूमरेटर में ये, और इस तरह का पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन टाइप है तो हम डिनोमिनेटर में लेके जाए। तो अब हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनी, तो अब हमारे पास लिमिट रूल लगाने जा रहे हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग से, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 बाय टेंजेंट एक्स और टेंजेंट एक्स का फिर से सेकंड स्क्वायर है और 1 बाय एक्स का क्या बना, ये माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तो जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है कि बेटर है कि उससे पहले हम उसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर ले, अगर वो टी रेशियोज में है तो साइन और कोस में ही प्रेफर करें, तो 1 बाय टेंजेंट एक्स हो जाएगा हमारे पास कोटेंजेंट एक्स दैट मीन्स लिख सकते हो उसको कोस एक्स ओवर साइन एक्स, सेकेंड स्क्वेयर एक्स कैन बी रिटन एज 1 बाय कोस स्क्वेयर एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एंड देन दिस इज एक्स स्क्वेयर गोस टू, ये आ गया हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वेयर न्यूमरेटर में चला गया, दिस इज 1 बाय एक्स स्क्वेयर था तो न्यूमरेटर में चला गया, 1 बाय टेंजेंट मीन्स कोस ऊपर साइन इज हमारे पास एंड देन 1 बाय कोस स्क्वेयर एक्स, तो अल्टीमेटली बचा क्या, ये टर्म कैंसिल होगी, दिस वुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स ओवर साइन एक्स अलग कर लिया एक टर्म और एक्स बाय कोस एक्स अलग कर लिया लिमिट एक्स और साथ में ये माइनस है, एक्स ओवर साइन एक्स हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर वन होता है और एक्स की वैल्यू जीरो कॉस जीरो इज वन तो ये अल्टीमेटली जीरो बचा, तो दिस इज योर आंसर कब, जब हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स जीरो इंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके चल रहे हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए रेस टू पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स, तो जब हम इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे ए रेस टू पावर 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, ए रेस टू पावर 0 इज 1
देन 1 माइनस 1 इज 0 और ये इंफिनिटी, तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। तो हम कन्वर्ट करेंगे या तो 0 बाय 0 में या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में। तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लेके गए रेसिप्रोकल बना के, तो दिस वुड बी कम्बर्सम टू डिफ्रेंशिएशन। तो अगर हम यहां से लें, दिस इज ये 1 बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो कौन सी फॉर्म बनती है, ए अगर हम x को इन्फिनिटी रखें, दैट मीन्स 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0, 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म। लिमिट रूल लगाया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ए रेस टू पावर 1 बाय एक्स, लोग ए 1 बाय एक्स का फिर से माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में 1 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस का लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये वाली टर्म तो खत्म होगी, x को इन्फिनिटी रखोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a रेस टू पावर 1 बाय इन्फिनिटी, a रेस टू पावर 0, दैट इज 1, और ये बचा लोगे, तो आंसर आ गया लोगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अगर हम लेके चले, x टेंड्स टू a, a माइनस x टेंजेंट ऑफ पाई x बाय 2a, तो x को अगर a अप्रोच करवाए दैट वुड बी 0, ये वाली साइड तो 0 बने, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 बचेगा, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 इज इन्फिनिटी, तो ये क्या बचे 0 इंटू इन्फिनिटी का। फिर से हम बनाना है हमें इसको, तो a माइनस एक्स 0 बाय 0 बना सकते हो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो यहाँ तो टेंजेंट नीचे जाके बस को टेंजेंट में चेंज हो गया पाई एक्स बाय 2a, लिमिट x टेंड टू a। तो हम किसी को भी इस क्वेश्चन में नीचे लेके जा सकते हो, दोनों ही इजी पड़ेंगे। तो अगर x को a अप्रोच करवाया दिस वुड बी 0, x को a अप्रोच करवाया को टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 दैट इज ऑल्सो 0, और ये बनी 0 बाय 0 फॉर्म। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 आ गया, कोटेंजेंट का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाय, और साथ में अंदर x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो दिस वुड बी इक्वल टू x टेंड टू a, x को a अप्रोच करवाया गया माइनस से पहले खत्म हो गया, कोसिकेंट ऊपर जाके साइन में कन्वर्ट हो गया, और साथ में 2a बाय पाई हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये क्या बना साइन पाई बाय 2 बच जाएगा, साइन पाई बाय 2 इज 1, देन 2a बाय पाई, तो आंसर आ गया 2a बाय पाई। सो दिस वाज योर आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म के। नेक्स्ट फॉर्म जो हम लेके चल रहे हैं अब, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। नेक्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म लेके चल रहे हैं हम, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो हम 0 बाय 0 फॉर्म कर चुके हैं फर्स्ट, सेकंड हम कर चुके हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, थर्ड हम कर चुके हैं 0 इंटू इन्फिनिटी, फोर्थ फॉर्म वी आर गोइंग टू टेक हियर इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो अगर एफ एक्स हमारे पास एक्सटेंड्स टू ए पर इन्फिनिटी है, जी एक्स एक्सटेंड्स टू ए पर इन्फिनिटी है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स की लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पर क्या होगी, वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लेती है। तो इस तरह के क्वेश्चन का जब हमने सॉल्व करना है, तो हम फिर से उसको आइदर 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है हमें, कि अगर टी रेशियोस चल रही हैं हमारे पास, साइन एक्स और कोस एक्स में कन्वर्ट कर देंगे उसको, अगर पॉलिनोमियल टाइप की चल रखी है और डिफरेंस चल रहा है, तो हम जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम एलसीएम वगैरह लेके उसको एक सिंगल क्वांटिटी बना देंगे जो 0 बाय 0 फॉर्म लेगी या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म लेगी। तो क्वेश्चन से हमें आइडिया लग जाएगा, अभी टेक्निक भी देख रहे हैं हम किस तरह से करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 सेकंट x माइनस टेंजेंट x, x को अगर पाई बाय 2 अप्रोच करवाया जाए, cos पाई बाय 2 इज 0 तो सेकंट पाई बाय 2 इज इन्फिनिटी, टेंजेंट पाई बाय 2 इज ऑल्सो इन्फिनिटी, सो दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो अब हमारे पास सॉल्व करने का, इसको टी रेशियो साइन और कोस में कन्वर्ट कर देंगे, दिस इज 1 बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कोस, लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाय 2। अब हमारे पास एलसीएम ले लेंगे हम, दिस इज कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाय 2। तो अब हमारे पास सिंगल क्वांटिटी बच गई जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज थी, तो एलसीएम लेके हमने क्वांटिटी को इकट्ठा कर लेने। तो अब x टेंड्स टू पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज 1, तो 1 माइनस 1 0, कोस पाई बाय 2 इज अगेन 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म। तो अब लिमिट रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या बनेगा ये, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस का कोस x, एंड कोस x का डिफरेंशिएशन यहाँ माइनस का साइन x है, तो ऑलरेडी एक माइनस था तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस हो गया, यहाँ ऑलरेडी कोस है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2।
कोस पाई बाय टू इज जीरो, साइन पाई बाय टू इज वन, सो दिस इज जीरो, तो लिमिट आ गई मेरी जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, वन बाय एक्स माइनस कोटेंजेंट है, वन बाय जीरो तो इन्फिनिटी, कोटेंजेंट जीरो इज अगेन इन्फिनिटी, सो दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म. तो फिर से इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, कोटेंजेंट कोसिकेंट सिकेंट को हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कोस की टर्म्स में, तो कोस एक्स ओवर साइन एक्स, और फिर हम एलसीएम लेके इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देंगे दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की बजाय. दिस वुड बी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू साइन एक्स, दिस वुड बी साइन एक्स माइनस कोस एक्स. अब यहाँ देखो अगर मैं जीरो पुट करूंगी, साइन जीरो इज जीरो, कोस जीरो इज वन, तो माइनस वन यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे अब हम लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू साइन एक्स, ये बचेगा साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, तो ये क्या बना जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म. तो हमारे पास एक तो मेथड है कि डायरेक्ट मैं लिमिट रूल अप्लाई करें, हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हमारे पास चलता रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की वजह से. हम साइन को खत्म भी कर सकते हैं साइन एक्स ओवर एक्स का यूज करके डायरेक्टली, तो हम उसी को यूज करेंगे साइन एक्स ओवर एक्स को, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, एक्स साइन एक्स इंटू में एक्स मल्टीप्लाई विद, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स से डिवाइड किया, सो दिस वुड बी योर एक्स स्क्वेयर. लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, दिस इज एक्स स्क्वेयर, बिकॉज साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स ओवर, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, कोस एक्स प्रोडक्ट रूल हियर, एक्स का वन हो गया, एक्स एज इट इज, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फिर हमारे पास x से x खत्म हो जाएगा, साइन 0 इज अगेन 0, सो दिस वुड बी 0. सो दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म. तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में. यू हैव टू जस्ट मेक इट एज ए सिंगल क्वांटिटी, टी रेशियोज को हमने साइन और कोस की टर्म्स में ही लेके आना है, डिफरेंस जब भी चल रहा है हम कोशिश करेंगे हम उसको जीरो बाय जीरो फॉर्म बनाने की और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनाने की. तो दोनों में से कोई भी फॉर्म बनेगी हम लिमिट रूल अप्लाई कर सकते हैं, उससे हम लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बचे हुए इंडिटर्मिनेट फॉर्म देखेंगे, दैट इज जीरो रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म, वन रेज टू पावर इन्फिनिटी, एंड दिस वाज द फॉर्म जो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे.